दोस्तों स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों रेलवे के ट्रैक मेंटेनर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रैक मेंटेनर को अब 4200 ग्रेड पे तक उनको प्रमोशन दिया जाएगा और रेलवे बोर्ड में PNA मीटिंग हुआ था जिसमें AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और भी फेडरेशन के लोगों ने भाग लिया था और ट्रैकमैन को 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन दिलाने की बात की है। और दोस्तों रेलवे के द्वारा यह पास भी कर दिया गया है कि अब ट्रैकमैन को 4200 ग्रेड पे तक दिया जाएगा। और दोस्तों और भी खुशखबरी यह है कि जो LDC ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर का जो यह मसला है, वर्षों से इसकी मांग उठ रही है कि ट्रैक मेंटेनर के लिए LDC ओपन किया जाए और इस मैटर पर शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बहुत बार ज्ञापन दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द LDC ओपन करवाइए। और दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की जो हार्ड रिक्स अलाउंस है जो 4100 और 6000 पारित हो गया था लेकिन फाइनेंस में अटका हुआ था और अभी तक मिला नहीं है, तो उनको भी दिलाने की मांग हो रही है। और दोस्तों हार्ड एंड रिक्स अलाउंस 30% की मांग उठ रही है बहुत दिनों से और इसको लेकर के ऑल इंडिया रेलवे जो ट्रैक मेंटेनर यूनियन है वह धरना भी दिया था दिल्ली जंतर मंतर पे। तो जो LDC ओपन और जो 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस की मांग है इस पर भी दोस्तों रेलवे बोर्ड में चर्चा हो सकती है। इस पर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोला है कि हम जिस प्रकार से 4200 ग्रेड पे आप लोगों को दिलवाए हैं उसी प्रकार से हम LDC ओपन भी करवाएंगे और जो ट्रैक मेंटेनर का 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस दिलवाना था वह भी हम रेलवे बोर्ड के PNA मीटिंग में रख करके जरूर दिलवाएंगे। और भी बहुत सारी ट्रैक मेंटेनर की मांगे हैं तो दोस्तों धीरे धीरे ही सभी मांगे पूरी होगी। अभी ट्रैक मेंटेनर का दो मुख्य मांग LDC है और 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस, यह अगर मिल जाता है तो बहुत हद तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा ट्रैकमैन के लिए। और भी मांगे हैं जिस पर हम आगे अपडेट आएगा मीटिंग में क्या बात हुआ होगा उस पर मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अगली बार जो PNA मीटिंग होता है उसमें LDC ओपन और जो 30% हार्ड एंड रिक्स अलाउंस है इस पर चर्चा होगा और हमें तो विश्वास है कि यह दोनों मांग भी बहुत जल्द रेलवे के द्वारा मान लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।